My name is Mukta Dheer and I welcome you all at my YouTube channel Simplify GS with Mukta. On this channel, I do cover topics of general study for all competitive exams. And if you haven't subscribed the channel yet, then please do subscribe it for regular updates. So let's start with our today's topic, which is Marwa dynasty. We'll see chronology and significant events. First of all, is it important to know the chronological order of the rulers? So no, it is not important to know the chronological order of the rulers, that who came first and who came last. Then why we are doing this wasteful exercise? So let me tell you, it is not a wasteful exercise, because by doing this, we'll get to know the name of rulers, right? We'll get familiar with the rulers, like ki kaun kaun se rulers is dynasty ke andar hue the. And you'll definitely get question from this area. These type of a question have been asked in the previous years also. For example, aapko is tarike se question diye jaate hain ki they will name four rulers and then they will ask you odd ones out. For an instance, agar hum example ki baat karein, to ek मानसिंह नाम के रूलर हुए थे कछवाहा डायनेस्टी के, इफ यू ऑल आर अवेयर ऑफ, जिन्हें मिर्जा राजा का टाइटल दिया था अकबर ने, है ना. तो मिर्जा राजा मानसिंह जो हुए थे तो वो कछवाहा डायनेस्टी के रूलर थे. सिमिलरली एक मानसिंह नाम के रूलर, यहाँ पे मारवाड़ के महाराजा मानसिंह भी थे जिन्होंने मान प्रकाश लाइब्रेरी जो है वो मेहरानगढ़ फोर्ट में बनवाई थी, राइट. तो ये दोनों सेम नेम है बट दोनों अलग अलग डायनेस्टी के हैं. तो इस प्रकार से सिमिलर से जो नेम है, मिलते जुलते नेम है या फिर सेम नेम है, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं. सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट अगर आपको इन रूलर्स के नाम नहीं पता है. एंड अलॉन्ग विद द नेम विल सी द सिग्निफिकेंट इवेंट्स अटैच्ड टू देम, कि इनके टाइम पे कोई ऐसा सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था विच इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो हम वो चीज भी कवर करेंगे इसके अंदर. एज वेल एज आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट, अगर कुछ इंपॉर्टेंट कोट स्कॉलर्स हैं और उनकी क्रिएशंस जो हैं वो भी मैं कोशिश करूंगी कि इसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए. सो इन अ नटशेल, दिस इज बेसिकली अ क्रक्स ऑफ मारवाड़ डायनेस्टी. एक पूरा कंसोलिडेटेड वे में हम लोग मारवाड़ डायनेस्टी को करेंगे. आई एम अगेन सेइंग वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस डायनेस्टी कॉम्प्रिहेंसिवली हियर, बिकॉज इतना तो टाइम ही नहीं बचा है, है ना. तो कॉम्प्रिहेंसिवली नहीं कर पाएंगे, बट इसको बहुत ही कंसाइज वे में, बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में हम लोग इस डायनेस्टी को दो पार्ट्स में कवर करेंगे. इन दिस फर्स्ट पार्ट विल स्टार्ट विद द रूलर्स. तो स्टार्ट करते हैं इसे विदाउट वेस्टिंग टाइम, स्टार्ट करते हैं चलो मारवाड़ डायनेस्टी को. लेट मी टेल यू बिफोर स्टार्टिंग कि भाई अगर आपने किसी ने मारवाड़ डायनेस्टी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, हु आर नॉट इवन अवेयर ऑफ व्हाट मारवाड़ डायनेस्टी इज ऑल अबाउट, तो एटलीस्ट आप इतना सा तो जो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ, एटलीस्ट आप वो चीजों को एग्जाम में करके चले जाना. एंड दूस हु हैव रेड अबाउट मारवाड़ डायनेस्टी, उनके लिए एक प्रकार का रिविजन सॉर्ट ऑफ हो जाएगा in a consolidated way, because after all what is more important from exam point of view is to consolidate your preparation, right. So chalo start karte hain Marwar dynasty. Marwar dynasty, okay. Marwar dynasty, ab yahan pe bhi hum jo chronology dekh rahe hain usme hum log significant rulers ke baat karenge jinke names kai baar puche jate hain aur jo jinse attached kuch event hai, right, kuch कोई इम्पोर्टेंस है उनकी, तो उससे बात करेंगे. सबसे पहले तो भाई कोई भी डायनेस्टी की बात करते हैं तो विल टॉक अबाउट द डायनेस्टीज फाउंडर. तो इनके फाउंडर कौन थे, जो मारवाड़ डायनेस्टी का फाउंडर कौन था, मारवाड़ डायनेस्टी का फाउंडर था राव सिंहा. राव सिंहा ही वॉज द फाउंडर ऑफ मारवाड़ डायनेस्टी. तो ये फाउंडर था, ठीक है, इन्होंने ही मारवाड़ डायनेस्टी एस्टेब्लिश की थी. राव सिंहा के बाद में जो नेक्स्ट रूलर, जो इम्पोर्टेंट रूलर आता है, विच इज राव दूहड़. राव दूहड़, ठीक है, सिंहा के बाद में आया राव दूहड़, इम्पोर्टेंट रूलर. राव दूहड़ के बारे में क्या चीज इम्पोर्टेंट है, राव दूहड़ जो है कि एक्चुअली व्हाट नागनी जी आइडल, जो नागनी जी माता है, नागनी जी माता अगर आपको नहीं पता हो तो जो मारवाड़ की जो राठौर डायनेस्टी थी उनकी कुल देवी थी नागनी जी माता, और नागनी जी माता का ये आइडल लेकर के आए थे कर्नाटका से. तो ये क्या लेकर के आए थे, ही बॉट नागनेची माता, नागनेची माता का आइडल, नागनेची माता का आइडल लेकर के आए थे ये कहां से, कर्नाटका से. एंड दिस आइडल वाज एक्चुअली वुडन का, लकड़ी का बना हुआ आइडल था विद 18 आर्म्स, 18 भुजाओं वाली एक प्रतिमा जिसे कहते हैं, 18 आर्म्स का आइडल, एंड दैट इज ऑल्सो मेड अप इन वुड,
ठीक है, तो वुडन का आइडल था, ये कुल देवी है नागनेथ जी माता, इन्होंने ये आइडल मतलब ला करके लगाया था कहाँ पे, नगाना विलेज बाड़मेर के अंदर, नगाना विलेज, और नगाना कहाँ पे है, बाड़मेर के अंदर है, तो यहाँ पे इन्होंने इस आइडल को लगाया था, ये इनसे रिलेटेड है, राव दूभड़ से, ठीक है, राव दूभड़ नागने जी माता का आइडल लेकर के आए थे, उन्होंने नगाना में लगवाया था। ये कुल देवी है मतलब जो इनकी नागने जी माता का ओरिजिनल नेम अगर पूछा जाए तो ओरिजिनल नेम भी आपको पता होना चाहिए, चक्रेश्वरी माता है, और नगाना विलेज के अलावा मेहरानगढ़ फोर्ट और नगढ़ फोर्ट में भी इनका टेम्पल है। एनीवेज, राव दूभड़ के ब्रदर, राव दूभड़ के जो भाई थे, मैंने आप सिर्फ इग्निशन लिखा है, ठीक है, राव दूभड़ के जो ब्रदर है उनका नाम था धांडल, धांडल, धांडल हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनके जो बेटे थे वो कौन है, वो कौन थे, फोक डाइटी, बताओ फोक डाइटी का नाम कौन सी फोक डाइटी, पाबू जी, पाबू जी जो फोक डाइटी है ना, इनके बारे में तो हम पूरा अच्छे से पढ़ चुके हैं, पाबू जी के बारे में अगर आपने नहीं किया है तो आप उस वीडियो से कवर कर लीजिएगा। बाबूजी जो है वो राव जो ये धांडल थे इनके बेटे थे, और राव धांडल जो थे वो दूहड़ के ब्रदर थे, ठीक है ना, तो बाबूजी इनकी मतलब जो फोक डाइटी है वो इनके बेटे थे, सो विच मीन बाबूजी इज रिलेटेड टू दिस डायनेस्टी, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इसके अलावा इसके बाद में हम लोग अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट रूलर की, विच इज राव मल्लीनाथ, राव मल्लीनाथ जो है वो भी, राव मल्लीनाथ जी जो है वो भी राजस्थान की एक इम्पोर्टेंट फोक डाइटी है, अगर आपको पता होगा मल्लीनाथ जी भी, ये भी फोक डाइटी है, और इनका इन्होंने बेसिकली नकोड़ा को अपनी कैपिटल बनाया था, नकोड़ा को कैपिटल बनाया था, इनका मेन टेम्पल कहाँ पे, राव मल्लीनाथ जी का तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर इनका मेन टेम्पल है, ठीक है, इनके जो फादर थे वो राव शलका थे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, सो राव मल्लीनाथ जो है वो भी मारवा डायनेस्टी से रिलेटेड है, राव और पाबू जी भी, ये दोनों ही फोक डाइटी थे। इसके बाद में इनका भाई था वीरमदेव, उनका बेटा इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने के लिए, वीरमदेव के बारे में कुछ ऐसा खास सिग्निफिकेंट नहीं, वीरमदेव के बाद में आता है राव चूंडा, वीरमदेव का जो बेटा है, वीरमदेव का जो सन है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ सन, वो थे राव चूंडा, राव चूंडा इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राव चूंडा को रियल फाउंडर माना जाता है मारवाड़ डायनेस्टी का, रियल फाउंडर माना जाता है मारवाड़ डायनेस्टी का, किसे, राव चूंडा को, इन्होंने मंडौर को अपनी कैपिटल बनाया था, ही मेड मंडौर इज कैपिटल, मंडौर कैपिटल बनाया था, बेसिकली क्या था जो राव चूंडा है इनकी मैरिज होती है किशोरी देवी के साथ में, एंड शी बॉट मंडौर इन डौरी, वो दहेज में मंडौर अपने साथ में लेकर के आती है, ठीक है, राव चूंडा की शादी होती है किशोरी देवी से, वो मंडौर अपने साथ में दहेज में लेकर के आती है। अब राव चूंडा जो है इन्होंने खैर अपना क्यों इन्हें रियल फाउंडर बोला जाता है, बिकॉज इन्होंने अपने एम्पायर को बहुत अच्छी तरीके से एक्सटेंड किया था, बहुत एक्सपैंड किया था अपने मतलब कि एम्पायर को, ये नाडौर, डीडवाना, नागौर, वहां तक अपने एम्पायर को ले गए थे। राव चूंडा जो है इनके दो बेटे थे राव चूंडा के, एक बार नेक्स्ट में देख लेते हैं, राव चूंडा के दो बेटे, राव चूंडा, ठीक है, राव चूंडा के दो बेटे थे, एक था रणमल, रणमल एंड द अनदर वन इज कान्हा, कान्हा। देखो राव चूंडा की शादी होती है किशोरी देवी से, ठीक है, किशोरी देवी शादी हुआ तो इनका बेटा हुआ कान्हा, अब इनका जो बेटा था कान्हा, अब एक सिंपल सी बात है कि भाई ये अपने साथ में मंडौर लेकर के आई है दहेज में, है ना, और मंडौर जो है वो कैपिटल बना लेता है ये, तो अब डेफिनेटली ये अपने बेटे को ही गद्दी पे बिठाना चाहेंगी, है ना, तो ये अपने बेटे को ही जब रूलर बनाना चाहेंगी तो ये बना देती है रूलर इसको, मतलब राव चूंडा बना देते हैं मतलब कान्हा को रूलर बना देते हैं, एंड देन फिर उसके बाद में जो रणमल है उसको, रणमल के अलावा इनकी एक डॉटर भी होती है हंसाबाई, उन दोनों को ये अपने जो एम्पायर है वहां से ये बाहर निकाल देते हैं। अब यहाँ से क्या होता है कि जो रणमल है, अब नेक्स्ट कान्हा क्योंकि जल्दी मर जाता है तो उसके बाद में रणमल जो है वो नेक्स्ट रूलर बनता है, इसके बाद में इनका बेटा आएगा जोधा, उसके बारे में बात करेंगे हम लोग, बट ये जो रणमल है ना, इनकी जो सिस्टर होती है हंसाबाई, अब ये रणमल यहाँ से निकल जाने के बाद में, ये मारवाड़ छोड़ने के बाद में ये यहाँ से चले जाते हैं इसके पास में मेवाड़, मेवाड़ में उस टाइम पे रूलर होते हैं राणा लाखा, यहाँ पे बता देती हूँ, लाखा उस टाइम पे मेवाड़ के रूलर होते हैं, मेवाड़ के। अब ये
अपनी सिस्टर हंसा बाई की शादी कर देते हैं इसके साथ में, हंसा बाई की शादी कर देते हैं इसके साथ में, और ये कहते हैं कि भाई आपका जो बेटा होगा ना वो बनेगा नेक्स्ट रूलर। तो इनका बेटा होता है मोकल, राणा मोकल जो थे वो मेवाड़ की ये बात है, ठीक है ना। तो मोकल जो है वो बनते हैं नेक्स्ट रूलर, जबकि राणा लाखा का ऑलरेडी एक एल्डर सन होता है इससे पहले, जिसका नाम होता है चूंडा सिसोदिया। चूंडा सिसोदिया, ये चूंडा सिसोदिया जो है ये कहता है कि ठीक है भाई मैं जिंदगी भर कभी शादी नहीं करूंगा और आप इसी को ही रूलर बना दीजिए। तो चूंडा सिसोदिया जो है इसे भीष्म पितामह भी कहा जाता है, मतलब इसे भीष्म पितामह की उपाधि भी दी गई बिकॉज उसने शादी नहीं की थी। व्हाई आई एम टेलिंग दिस स्टोरी टू यू, व्हाई इट इज सिग्निफिकेंट, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, चूंडा राव चूंडा और चूंडा सिसोदिया के अंदर दोनों अलग अलग है, ठीक है ना। राव चूंडा तो रियल फाउंडर है मारवाड़ का, और जबकि चूंडा सिसोदिया जो है वो मेवाड़ से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं इसे यहाँ पे इरेज कर रही हूँ जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इसके बारे में बता दिया। क्लियर है यहाँ तक? तो फिर उसके बाद में हाँ, अब जो रणमल है, क्योंकि कान्हा की बाद में रणमल बन जाता है जो मारवाड़ का जो रूलर है, रणमल का फिर बेटा आता है राव जोधा। राव जोधा जो है वो रणमल का बेटा है, ठीक है ना। राव जोधा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, राव जोधा तो सबको पता है। राव जोधा ने क्या बसाया था, राव जोधा ने जोधपुर फाउंड किया था। कब? 1459 में ही फाउंडेड जोधपुर, फाउंडेड जोधपुर, इन्होंने जोधपुर को फाउंड किया था। और उसके साथ में इन्होंने चिड़िया टूप हिल पे क्या बनवाया था, मेहरानगढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट ये भी इन्होंने बनवाया था राव जोधा ने। अब राव जोधा जो है इनके तीन बेटे थे, राव जोधा जो है इनके तीन बेटे थे अगर बात करें तो। इनका एक बेटा था राव सुजा, अनदर वन इज राव सातलदेव, सातलदेव एंड अनदर वन इज राव बीका, बीका, ठीक है। राव बीका ने तो बीकानेर बसाया था, राव बीका ने तो ही फाउंडेड बीकानेर, तो इनकी वो बात हो गई। राव सातलदेव जो है ही इज नोन फॉर बैटल ऑफ पीपाड़, ये किसके लिए जाने जाते हैं, बैटल ऑफ पीपाड़, बैटल ऑफ पीपाड़। पीपाड़ की बैटल बेसिकली क्या थी, बताती हूँ एक मिनट। बैटल ऑफ पीपाड़, बैटल ऑफ पीपाड़ बेसिकली क्या थी कि एक अफगान मतलब जो था अफगान कमांडर था उसके साथ में इन्होंने बैटल लड़ी थी। क्योंकि वो क्या करते थे कि उन्होंने क्या किया था, गणगौर के टाइम पे जब औरतें वगैरह पूजा वगैरह करी थी तो उस टाइम पे 140 गर्ल्स को वो अबडक्ट करके अपने साथ में ले गया था, ठीक है। तो उसका जो मल्लू खां था उसका जो कमांडर था गुड़ला, गुड़ला उसका कमांडर था, तो उनके साथ में राव जो सातलदेव है उन्होंने मतलब लड़ाई लड़ी थी, उन्होंने बैटल लड़ी थी एंड उसके अंदर गुड़ले को इन्होंने मार दिया था, गुड़ला खान जो था इसको इन्होंने मार दिया था। एंड राव सातलदेव जो थे ही वॉज ऑल्सो बैडली वुंडेड एंड लेटर ऑन ही सकम टू हिज इंजरीज, तो ये भी बैडली वुंडेड हो गए थे बट गुड़ले खान को इन्होंने वहां पे मारा था। उसके बाद से आपको पता होगा कि मारवाड़ के अंदर गुड़ला डांस जो है, गुड़ला डांस काफी फेमस है। इसके बाद से ही इनकी बेटी गिंदोली ने इसे फेमस करवाया था, गुड़ला डांस। गुड़ला डांस में आप अगर आप में से कोई मारवाड़ रीजन का हो सो दे आर क्वाइट वेल अवेयर ऑफ कि चैत्र कृष्ण अष्टमी वाले दिन ये क्या होता है कि गुड़ला निकाला जाता है। गुड़ला बेसिकली क्या होता है कि मिट्टी का एक बर्तन सा होता है, उसमें काफी सारे शेड से किए होते हैं, उसके अंदर दीपक रखा हुआ होता है एंड देन वो गली गली में लेकर के औरतें उसे घूमती है। हमने भी देखा है बचपन में गली गली में लेके औरतें घूमती है और वो मतलब उसको लेकर के गाना भी गाया जाता है, घुड़लो घूमे लो जी घूमे लो, तेल बड़े घी गाल घुड़लो घूमे लो जी घूमे लो। तो इस प्रकार से कुछ ये फोक सॉन्ग उसके साथ में गाए जाते हैं और डांस किया जाता है। तो ये घुड़ला जो डांस है विच इज वेरी फेमस इन मारवाड़, मारवाड़ रीजन के अंदर ये चीज देखी जाती है, ठीक है। राव सूजा की बात करें तो राव सूजा के बाद में जो इम्पोर्टेंट है, जो इम्पोर्टेंट आएगा वो आएगा इनका ग्रैंडसन राव गांगा। इसके बाद में आएगा राव गांगा की बात करेंगे, राव गांगा ही इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये राव गांगा जो है ये बाग साहेब जो थे, बागा साहेब उनके बेटे थे। बात करते हैं राव गांगा की, राव गांगा, राव गांगा जो थे इन्होंने गंगला तालाब बनाया था और गांगा के बेटे थे राव मालदेव। तो इन्होंने एक और काम किया था इसके अलावा, इनके सिग्निफिकेंट इवेंट्स में आ जाता है गंगलाव तालाब,
गंगे दाव तालाब बनवाया था, पॉन्ड कह दो इसे। उसके अलावा इन्होंने ही सेंट मालदेव जो कि इनका बेटा था इन बैटल ऑफ खानवा। खानवा की बैटल तो आपको पता ही है। तो खानवा की बैटल में इन्होंने जो ये अपने सांगा थे, राणा सांगा थे, उनकी हेल्प करने के लिए मालदेव को भेजा था। एक बटालियन लेकर के, एक मतलब सेना की टुकड़ी लेकर के इन्होंने भेजा था मालदेव को। एंड मालदेव प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ये जो बैटल ऑफ खानवा थी, उसके अंदर काफी उन्होंने सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया था। तो ये दो इनके अचीवमेंट्स हैं राव गंगा के। राव गंगा के बाद में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूलर है इनका बेटा राव मालदेव। मालदेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। मालदेव, मालदेव लिख दो या मालदेव लिख दो, ठीक है, राव मालदेव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वाई? बिकॉज राव मालदेव जो है ये बहुत ही पावरफुल रूलर था, आप ये चीज कह सकते हो। इसने अपनी टेरिटरी को बहुत दूर दूर तक एक्सपेंड किया था। इनफैक्ट मालदेव के लिए काफी लोगों ने, जैसे फरिश्ता थे, उन्होंने मालदेव के लिए बोला था ही इज अ मोस्ट पोटेंट रूलर ऑफ हिंदुस्तान। बदायूनी ने भी इनके बारे में कहा था ही दैट मालदेव इज अ ग्रेट प्रिंस ऑफ इंडिया। इसके अलावा इनके कुछ टाइटल्स भी हैं जैसे कि हशमत वाला राजा हो गया या फिर हिंदू बादशाह हो गया, ये सब भी इनके मतलब टाइटल्स हैं। मालदेव के बारे में सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि इन्हें पैट्रिसाइड रूलर बोला जाता है। व्हाई कॉल्ड पैट्रिसाइड रूलर? पैट्रिसाइड का मतलब क्या होता है? पितृहंता, यानी कि इन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने राव गंगा को मारा था। ये परेशान हो गए थे राव गंगा से, हाँ, कि भाई परेशान होने का रीजन खैर एक ये भी था कि जब बैटल ऑफ खानवा हुई उसके बाद में महाराणा सांगा के बाद में एक वैक्यूम सा क्रिएट हो गया था जो लीडरशिप को लेकर के, एंड राव गंगा वाज नॉट मतलब नॉट एफिशिएंट इनफ टू फिल दैट वैक्यूम। तो उस वजह से ये काफी एक्सपेंशनिस्ट प्रवृत्ति के थे, जो राव मालदेव थे वो इनसे परेशान भी थे। तो इन्होंने, ऐसा कहा जाता है, कई लोगों ने तो मतलब इनकी डेथ के बारे में दो चीजें मिलती हैं। पहला तो ये कि राव मालदेव जो थे उन्होंने राव गंगा को, ये आराम से बैठे हुए थे बालकनी में, तो इनको धक्का दे दिया था मेहरानगढ़ से, तो ये मतलब ऊपर से धक्का दे दिया था तो ये नीचे जाके गिर गए थे और इनकी डेथ हो गई थी। एक और इनके बारे में ये भी मिलता है कि राव गंगा जो थे वो अफीम खा के सेट थे, तो वैसे ही नशे में गिर गए थे ऊपर से, जो मेहरानगढ़ की छत थी वहां से गिर गए थे, तो ऐसे उनकी डेथ हो गई थी। बट पैट्रिसाइड रूलर बोला जाता है मालदेव को कि इन्होंने गंगा को मारा था, ठीक है। इनके कुछ टाइटल्स हैं, टाइटल्स में हम यहाँ पे देख लेते हैं, हशमत वाला राजा, हशमत वाला राजा, एंड इसके अलावा इनको हिंदू बादशाह भी कहा जाता है, हिंदू बादशाह, ठीक है, ये इनके कुछ टाइटल्स हैं, टाइटल्स हैं। इसके अलावा राव मालदेव वाज फेमस फॉर, इनकी जो रानी थी उसका नाम क्या था? रानी उमादे, 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 ये वही है जो कि हिस्ट्री के अंदर रूठी रानी के नाम से फेमस हुई, रूठी रानी, रूठी रानी। अब ये क्यों रूठ गई थी? अब भाई मालदेव को रानी ज्यादा नौकरानी में इंटरेस्ट था है, तो इस वजह से रूठी रानी, क्या इनकी यहाँ पे जो इनकी दासी है भारमती उसका किस्सा आता है, विल नॉट डिस्कस अबाउट दैट। बट द थिंग इज कि ये रूठ गई थी इनसे कि भाई ये मेरे लायक ही नहीं है, तो ये मेरे पति बनने के लायक नहीं है, तो इस वजह से मैं यहाँ से जा रही हूँ, और वो चली जाती हैं, वो ता जिंदगी इनसे रूट करके ही रहती हैं। एंड जब मालदेव की डेथ होती है उस टाइम पे शी कमिट्स जौहर, वो जौहर कर लेती हैं। उमादे भटियानी को लेकर के जो इनके कोर्ट स्कॉलर थे आशानंद, उन्होंने उमादे भटियानी द कवित नाम करके भी एक बुक लिखी थी, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो रानी उमादे हो गई जिन्हें रूठी रानी कहा गया था। अब इसके अलावा फरिश्ता ने इनके बारे में, देखो ये चीजें आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिमेम्बर करनी होती है, याद करनी होती है कि किसी पर्टिकुलर स्कॉलर ने मतलब कि क्या चीज बोली थी किसी के बारे में। अब जैसे कि फरिश्ता है, उन्होंने इसके बारे में बोला था मोस्ट पोटेंट रूलर, मोस्ट पोटेंट रूलर ऑफ हिंदुस्तान, ऑफ हिंदुस्तान, ये बोला था फरिश्ता ने इनके बारे में। आपसे पूछा जा सकता है कि किस रूलर के बारे में ये चीज बोली गई थी। बदायूनी ने इनके बारे में क्या बोला था? बदायूनी ने इनके बारे में बोला था
that he is the greatest prince of India. India, ठीक है. अब इनके कुछ बैटल्स देख लेते हैं राव मालदेव से रिलेटेड. राव मालदेव से रिलेटेड अगर हम देखें तो बैटल ऑफ, सबसे पहले हम बात करते हैं बैटल ऑफ माहौली की. माहौली की बैटल क्या थी, उसमें राम जो ये मालदेव है इनका कोई डायरेक्ट रोल नहीं था, इनडायरेक्ट रोल था. बैटल ऑफ जो माहौली थी वो बेसिकली बनबीर और उदय सिंह के बीच में थी. हुआ ये था कि अब आपको पता होगा ये मेवाड़ के जो बनबीर थे वही जो उदय सिंह और विक्रमादित्य को जो मार देते हैं और फिर पन्ना था उदय सिंह को वहां से ले जाती है ना. तो उस टाइम पे जो मेवाड़ के जो सरदार थे, क्योंकि विक्रमादित्य को मारने के बाद में बनबीर खुद गद्दी पे बैठ गया था, तो इस वजह से जो वहां के सरदार थे उन्होंने कहा कि भाई इसके मतलब उन्होंने मालदेव से रिक्वेस्ट की कि भाई आप प्लीज मदद कीजिए इसके अंदर और उदय सिंह को वापस एस्टेब्लिश करने में, उदय सिंह को कोरोनेट करवाने में और इस सब में हमारी हेल्प कीजिए. तो मालदेव ने फिर वहां पे अपनी मतलब सोल्जर्स भेज के, अपनी सेना भेज करके मालदेव ने हेल्प की थी उदय सिंह की, ठीक है. और फिर बनबीर को हरा करके और उदय सिंह को मतलब वहां का रूलर बनवाया था. तो ये बैटल ऑफ मोहाली में इनका जो माहौली है इसके अंदर इनका सिग्निफिकेंट रोल था. दिस वॉज, इसमें इन्होंने हेल्प की थी, हेल्प उदय सिंह क्योंकि उदय सिंह छोटे थे उस टाइम पे, तो इस वजह से हमने कहा कि भाई आप प्लीज हमारी मदद करो और वहां पे थे भी नहीं, उनको वहां से ले जाया जा चुका था. तो उदय सिंह की हेल्प की थी इन्होंने अगेंस्ट बनबीर, ठीक है. इसके अलावा इनकी जो एक और इम्पोर्टेंट बैटल आती है विच इज बैटल ऑफ साहेबा की बैटल. ये बैटल हुई थी 1542 में. अगर आपको ईयर याद रहता है तो बहुत ही बढ़िया, बिकॉज ईयर कई बार कुछ इंपॉर्टेंट बैटल्स के पूछ लिए जाते हैं. तो 1542 के अंदर बैटल ऑफ साहेबा पाहेबा हुई थी. ये किसके बीच में हुई थी, ये हुई थी मालदेव और जैतसी के बीच में. मालदेव एंड जैतसी, राव जैतसी जो कि कहाँ के थे, बीकानेर के. और इसके अंदर जैतसी जो है ये मारा जाता है, ठीक है. जैतसी मारा जाता है बैटल ऑफ साहेबा पाहेबा में. इसके बाद में जो मालदेव से रिलेटेड इम्पोर्टेंट बैटल है उसका नाम है बैटल ऑफ गिरी सुमेल. वेरी इंपॉर्टेंट बैटल, बैटल ऑफ गिरी सुमेल. गिरी सुमेल की जो बैटल थी इसे वॉर ऑफ जैतारण भी कहा जाता है, वॉर ऑफ जैतारण, ठीक है. ये कब हुआ था, ये हुआ था जस्ट उसके 2 साल बाद में. ये पाहेबा साहेबा 1542 में हुई, ये 1544 के अंदर, ठीक है. बैटल ऑफ गिरी सुमेल और या जैसे वॉर ऑफ जैतारण भी कहा जाता है, ये किसके बीच में हुई थी. बैटल ऑफ गिरी सुमेल हुई थी बिटवीन मालदेव एंड शेरशाह सूरी के बीच में, मालदेव एंड शेरशाह सूरी के बीच में, शेरशाह सूरी के बीच में, ठीक है. इनफैक्ट ये वही बैटल थी जिस बैटल को जीतने के बाद में शेरशाह सूरी इसके अंदर जीता था. इस बैटल को जीतने के बाद में शेरशाह सूरी ने कहा, फॉर अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ बाजरा आई ऑलमोस्ट लॉस्ट द एंटायर किंगडम ऑफ हिंदुस्तान. व्हाई ही सेड सो, इसने ऐसा क्यों कहा था कि मुट्ठी भर बाजरा के लिए मैं पूरे हिंदुस्तान की बादशाहत को खो देता. इसने ऐसा इसलिए बोला था बिकॉज मालदेव वॉज अ वेरी पोटेंट रूलर और मालदेव के जो दो कमांडर थे इस बैटल के अंदर, इनका नाम आता है जैता एंड कुंपा. इनके दो कमांडर थे. ये शेरशाह सूरी ने ये बैटल जो जीती थी वो किस तरीके से, वो धोखे से जीती थी एक तरीके से, बिकॉज ही एक्चुअली रोट सम फ्रॉड लेटर्स. इन्होंने कुछ फ्रॉड लेटर्स लिख दिए थे और वो लेटर्स इन्होंने मालदेव के हाथ लगवाए और उस लेटर्स के अंदर लिखा हुआ था कि भाई जैता और कुंपा जो है ये शेरशाह सूरी को सपोर्ट करेंगे, मतलब कि युद्ध के अंदर. तो ऐसा कुछ लिखा हुआ था और जो हमारे रूलर भाई साहब चेकान के तो बच्चे थे ही, तो इन्होंने मान ली इस बात को कि अरे ये तो मेरे जो इतने जो मतलब लायक कमांडर हैं वो तो मेरे को ही धोखा दे रहे हैं. तो ऐसा करके फिर ये बीच में ही छोड़ करके, वहीं पर ही छोड़ करके मालदेव वहां से चले जाते हैं और इनको भगवान भरोसे छोड़ करके वहीं पर ये चले जाते हैं, इस बैटल से ही निकल जाते हैं ये, ठीक है. राव मालदेव जैता कुंपा जो है वो अपने वैलर को बचाने के लिए वो यहाँ पे एंड तक लड़ते हैं और फाइनली ये मर जाते हैं. जैता और कुंपा फाइनली मर जाते हैं. इनके वैलर को देख करके ही शेरशाह सूरी ने ये बात कही थी, फॉर अ फ्यू ग्रेन्स ऑफ बाजरा आई हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट द एंटायर किंगडम ऑफ हिंदुस्तान.
ठीक है, ये हुई बैटल ऑफ गिरी सुमेर, बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है, आपको ध्यान देना चाहिए। बैटल्स का इंपैक्ट आपसे सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है, क्रोनोलॉजी भी पूछी जा सकती है कि कौन सी पहले हुई थी कौन सी बाद में हुई थी, इसलिए मैंने आपको ईयर बता दिया यहाँ पे, तो आप उस हिसाब से इसे कर दीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा इससे रिलेटेड जो मालदीव है इससे रिलेटेड एक और बैटल है, विच इज बैटल ऑफ हरमादा, हरमादा की बैटल, ये कहा ये कब हुई थी, ये हुई थी 1557 के अंदर, बैटल ऑफ हरमादा। इस बैटल के बारे में आप सिर्फ इतना ध्यान रख लेना कि इसने वापस मेरता को कैप्चर कर लिया था, हजी खान राणा उदय सिंह और इनके साथ में हुई थी ये, और इसमें इन्होंने वापस कैप्चर कर लिया था मेरता को, रीकैप्चर मेरता। ठीक है, मालदीव के कुछ फोर्ट स्कॉलर्स देख लेते हैं, फोर्ट स्कॉलर्स देख लेते हैं। देखो मालदीव के दो फोर्ट स्कॉलर्स काफी इंपॉर्टेंट है, एक है ईसरदास, ईसरदास ठीक है, एक ईसरदास एंड अनदर वन इज आशानंद। ईसरदास ने क्या लिखा था, ईसरदास वाज अ फोर्थ स्कॉलर हु रोट हाला जालारी कुंडलियां, इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था हाला झालारी कुंडलियां, हाला झालारी कुंडलियां कुंडलियां। ठीक है, ये ईसरदास ने लिखी थी। आशानंद की अगर बात करें तो आशानंद की जो दो इंपॉर्टेंट क्रिएशंस आती हैं उसके अंदर पहला तो है बाघ भारमलीरा दोहा, बाघ भारमलीरा दोहा, भारमलीरा दोहा, एंड द अनदर वन इज उमा दे भटियाणी रा कवित, उमा दे भटियाणी रा कवित। ये जो उमा दे भटियाणी जो इनकी रूठी रानी थी ना, ये जैसलमेर के जो राव जो जैसलमेर के लूणकरण थे, वो मतलब राव लूणकरण जो वहां के महाराजा थे, उनकी बेटी थी उमा दे भटियाणी रा कवित। ठीक है, ये है इनके बारे में, इसके बारे में राव मालदीव के बारे में। तो ये इनके पोर्ट स्कॉलर्स थे, साथ साथ में मैंने ये जो इम्पोर्टेंट चीज थी वो भी बता दी है। ठीक है, अब राव मालदीव के जो बेटे हैं मोटा राजा उदय सिंह चंद्रसेन वगैरह, वहां से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में से कैरी फॉरवर्ड करेंगे। I hope you have learned something from the video. If you do so, then please do like it and do share it with your friends. Thanks and see you in the next video.